नमस्कार, मैं हूं नितिन भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। 9 जून से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की घरेलू सीरीज भारत में खेली जानी है, जिसके लिए बीसीसीआई ने इंडिया का स्क्वाड भी डिक्लेयर कर दिया है। उसमें सीनियर प्लेयर्स काफी गैर मौजूद हैं। उनकी गैर मौजूदगी में क्या इंडियन टीम ये सीरीज जीत पाएगी? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है और उनकी गैर मौजूदगी में केएल राहुल को इस नई टीम की कमान दी गई है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। देखिए, केएल राहुल को कमान तो इस टीम की मिल गई है, लेकिन उनके लिए समस्याएं काफ़ी हैं। उनके लिए समस्याएं ये हैं कि नंबर 4 पर किस प्लेयर को खिलाना होगा। देखिए, रेगुलर प्लेयर्स इस टीम में है नहीं, सूर्यकुमार यादव भी चोटिल हो चुके हैं। और देखिए, पहले नंबर 4 के लिए टीम इंडिया में लगातार जो बल्लेबाजी करते थे वो श्रेयस अय्यर थे, लेकिन विराट कोहली की गैर मौजूदगी में श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर खेलना होगा और उनकी वजह से नंबर 4 का जो स्पॉट है वो खाली हो गया है, जिसके लिए कोच और कप्तान केएल राहुल का सिरदर्द बढ़ चुका है कि नंबर 4 पर किस प्लेयर को खिलाया जाए। लेकिन अगर इस आईपीएल 2022 की बात की जाए, जो अभी अभी समाप्त हुआ है, उसमें नंबर 4 पर कुछ प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि इस 18 सदस्य वाली इंडियन टीम में भी शामिल है। उनमें हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत भी है, जिन्होंने नंबर 4 पर पूरे सीजन आईपीएल 2022 में बल्लेबाजी की और शानदार प्रदर्शन किया। तो इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से ही केएल राहुल की समस्या बढ़ी है कि नंबर 4 पर किस प्लेयर को खिलाया जाए। अगर हार्दिक पांड्या की बात की जाए, देखिए, उन्होंने इस सीजन नंबर 3 और नंबर 4 पर रेगुलरली बल्लेबाजी की है टाटा आईपीएल 2022 में, और उन्होंने अपने सभी मुकाबले खेलते हुए 487 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 87 रन रहा है। और वहीं अगर ऋषभ पंत की बात की जाए, उन्होंने भी नंबर 3 और नंबर 4 पर ही बल्लेबाजी की है इस आईपीएल 2022 में। अगर उनके आंकड़ों पर एक बार नजर डालें तो उन्होंने भी अपने 14 मुकाबले खेलते हुए 340 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट इस सीजन 44 रहा है और वो एक भी अर्धशतक लगाने में नाकामयाब रहे हैं, अगर ऋषभ पंत की बात की जाए। और वहीं अगर इन दोनों के इंटरनेशनल आंकड़ों पर बात की जाए, जो कि T20I अगर इंटरनेशनल की बात करें, तो उसमें हार्दिक पांड्या ने 54 मुकाबले खेले हैं T20Is में, जिसकी 36 इनिंग्स में उन्होंने 553 रन बनाए। और अगर उनकी गेंदबाजी की बात की जाए, तो उन्होंने गेंदबाजी में भी 42 विकेट अपने नाम किए हैं। और वहीं अगर ऋषभ पंत के इंटरनेशनल आंकड़ों पर अगर एक बार नज़र डालें, तो ऋषभ पंत ने 43 मैच खेले हैं और उन 43 मैचों में 683 रन बनाए हैं। तो ये इंटरनेशनल के आंकड़े हैं हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के। तो इन्हीं आंकड़ों की वजह से और हालिया आईपीएल के प्रदर्शन की वजह से केएल राहुल की समस्याएं बढ़ गई हैं कि नंबर 4 पर किस खिलाड़ी को ट्राई किया जाए। क्योंकि इस टीम में जो 18 सदस्य वाली टीम चुनी है बीसीसीआई में, उसमें दीपक हुड्डा भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो नंबर 4 पर खेल सकते हैं। तो समस्याएं काफ़ी हैं केएल राहुल और कोच के लिए। तो देखना होगा कि इस सीरीज़ में वो नंबर 4 पर किसको मौका देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो साथ ही साथ हमें कमेंट में कर बताइए कि नंबर 4 पर किस प्लेयर को केएल राहुल, कप्तान केएल राहुल मौका देंगे इस आगामी घरेलू सीरीज़ में। साथ ही साथ अगर वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर किए, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।